चिची है, सुनील शेट्टी है, चिची है, मिमो है, जावेद जाफरी है, और भी एक बंदा है सुनने में आया है, देखेंगे देखेंगे क्या होता है। कौन है सस्पेंस बोलते हैं, वो तो यही बताएंगे, कहाँ गए, चैनल वाले ही बताएंगे कौन है। अच्छा आपको लगता है कौन है? और हाँ मिमो, हाँ हाँ जावेद जाफरी, सरप्राइज है राखी जी आज, मेरा दुश्मन है नहीं है। अच्छा वो आने वाले थे, हाँ सुना था मीका आने वाले थे, एक मिनट में पीछे हट गए, क्या वजह रही? वो डर गए मेरी जवानी से क्योंकि मुझे लगता है उनकी जवानी ढल चुकी है, तो वो इस सॉन्ग से ही डर गए। इनकी बात कर रही है राखी आप, मुझे क्या पता, हाँ उनका बाइट ले लेना मैं अपने मुँह से क्यों बोलूँ, मैं आप लोग को नहीं जानती क्या राखी जी, आजकल यू नो आइटम नंबर्स का दौर, आपके लिए बहुत कंपटीशन हो गया है, यू नो जलेबी भाई मुन्नी सामने आना, हाँ तो उनके बारे में क्या बोलना है? मुझे लगता है कि मैं ही ओरिजिनल आइटम की रानी हूँ, दूसरे सब तो पानी कम चाय है, इट्स ओके। एंड आप जानते हैं कि जो रिदम, जो जो जवानी, जो हॉटनेस मुझ में है, आई डोंट थिंक जो किसी और में होगा, बिकॉज दे आर ऑल हीरोइन मटेरियल है, तो वो हीरोइन मटेरियल है, बट वो लोग आइटम सॉन्ग करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्टेज शोज मिले, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं बेचारे वो भी सलवार कमीज और साड़ी में कब तक शॉट देंगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो ऐसे भी हॉट कॉस्ट्यूम पहन के वो लोग भी आइटम सॉन्ग करें, तो बेचारे उनका भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि प्रोड्यूसर उनको इतने पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं तो वसूल करें ना उनका। तो राखी को भी हीरोइन बनने की ख्वाहिश थी? बस मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे हीरोइन बनना चाहिए और मुझे ना ही इंटरेस्ट है, मैं तो सिर्फ अपनी जवानी दिखाना चाहती हूँ, अपनी अदाएँ दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है पफ मार, मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनट प्लीज़ एक मिनट, देख रहे हो डांस हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। राखी जहाँ पर एक